दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस 4 इंच पॉट में जो सलगम लगाएंगे, वैसे मैं ये सारी सलगम कैरी के अंदर लगाऊंगा लेकिन एक दो प्लांट मैं इसके अंदर आपको लगा के दिखाऊंगा। देखिए, ये इसके सीड्स हैं, बिल्कुल ही बारीक बारीक, जैसे सरसों के सीड्स होते हैं वैसे हैं। इसके अंदर हम जो सॉइल है वो ऐड कर लेंगे। इसके अंदर जो सॉइल मैं ऐड करूंगा दोस्तों, ये मेरा गार्डन का सॉइल है जो कि मैंने आपको बताया था। गार्डन में मैंने गड्ढे बना रखे हैं जिनमें मैं पत्तियों की खाद तैयार करता हूं, तो ये वही मिट्टी है, तो हम इसमें इसको ग्रो करेंगे। ये काफ़ी नरम मिट्टी है और मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, इन सब के लिए जो मिट्टी है वो नरम हो तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा अभी सीड्स नहीं डालेंगे, हम सिर्फ 3-4 सीड डालेंगे क्योंकि इस एक पॉट के अंदर हम सिर्फ एक दो ही सलगम जो है वो बना सकते हैं, तो इसमें मैं सिर्फ एक जो प्लांट है वो रखूँगा और बाकी प्लांट इसमें से निकाल दूंगा। एक हेल्थी जो प्लांट होगा अच्छा, उसको हम इस पॉट में रखेंगे और बाकी को निकाल के हम ग्राउंड में शिफ्ट कर देंगे। तो सीड्स जो हमने लगा दी है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी जो मिट्टी है वो डाल देंगे, अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। हमने एक जो शलगम है वो इसके अंदर लगाई थी और एक्चुअली में मैंने इसको लगा के कहीं रख दिया था, बाद में शायद बच्चों ने कहीं इसको कहीं और रख दिया, तो मैं इसकी अपडेट के लिए इसको काफी दिन से ढूंढ रहा था। कल गार्डन की सफाई की तो एक गुलदावरी के प्लांट के नीचे दबी हुई थी, तो देखिए जो शलगम है वो इसमें अच्छे से ग्रो हो गई है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये 4 इंच का पॉट है और 4 इंच के पॉट के अंदर जो शलगम है वो अच्छे से ग्रो हो गई है। चलिए, मैं आज इसको निकाल लेता हूँ। देखिए, इसकी रूट जो है नीचे भी आ गई थी, तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, पूरा रूट बाल ही बाहर आ गया इसका पॉट से और ये शलगम हमारी, इसको और कुछ दिन छोड़ते तो ये और मोटी हो जाती, लेकिन इतना काफी है। 4 इंच के पॉट से ये शलगम हमें मिली है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको साफ करके ले आया हूँ। अगर आप शलगम आपको लगानी है नेक्स्ट सर्दियों में तो आप शलगम लगा सकते हैं छोटे पॉट के अंदर भी। देखिए, शलगम जितना ये पॉट है थोड़ा सा बड़ा है सिर्फ, तो इसके अंदर हमने ग्रो की थी। दोस्तों, कुछ दिन इसको मैं यहीं पे रहने देता, यानी कि इस पॉट के अंदर, तो इसके ऊपर से यहाँ से जो इसके जो फ्लोर है वो स्टार्ट हो जाते और इसके अंदर जो बीज है वो बन जाते। तो अगर आप बीज ग्रो करना चाहते तो बीज भी ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों, अभी मुझे याद नहीं कि इसको कितना टाइम हुआ है, लेकिन आई थिंक हमने जब मूलियां लगाई थी उस टाइम पे लगाई थी, तो काफी दिन हो गए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।